हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर लोकेश। इस वीडियो में हम रोसुवास्टेटिन टैबलेट के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि रोसुवास्टेटिन टैबलेट का उपयोग किन कंडीशन में किया जाता है, रोसुवास्टेटिन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और रोसुवास्टेटिन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और ये डिस्कस करेंगे कि रोसुवास्टेटिन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशन में रोसुवास्टेटिन टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। रोसुवास्टेटिन टैबलेट स्टेटिन ड्रग क्लास की दवा है, जिसका उपयोग शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है। रोसुवास्टेटिन टैबलेट शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करती है और शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाती है। बैड कोलेस्ट्रॉल को LDL या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को HDL या हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा रोसुवास्टेटिन टैबलेट ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को भी कम करती है। ट्राइग्लिसराइड्स फैट की एक टाइप है जो ब्लड में पाई जाती है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल अधिक होने पर शरीर की नसों में धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, जिसकी वजह से नसों में ब्लड का सर्कुलेशन कम होने लगता है। ब्लड का सर्कुलेशन कम होने की वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने का रिस्क अधिक हो जाता है। स्ट्रोक यानी लकवा लगने का रिस्क अधिक हो जाता है, इसलिए हार्ट अटैक और स्ट्रोक यानी लकवा लगने के रिस्क को कम करने के लिए आपका डॉक्टर आपको रोसुवास्टेटिन टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। जिन लोगों को पहले कभी हार्ट अटैक या स्ट्रोक यानी लकवा का दौरा आ चुका है, ऐसे लोगों में आगे स्ट्रोक यानी लकवा लगने का और हार्ट अटैक होने का रिस्क को कम करने के लिए भी डॉक्टर रोसुवास्टेटिन टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। यदि आप अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल को अच्छी तरह से कम करना चाहते हैं तो आपको रोसुवास्टेटिन टैबलेट के साथ साथ लो कोलेस्ट्रॉल डाइट लेनी चाहिए और घी और ज्यादा ऑयली भोजन खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को अच्छी तरह से कम करने के लिए रोसुवास्टेटिन टैबलेट के साथ साथ एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी होती है, इसलिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। जिन लोगों को कोई हार्ट से संबंधित समस्या है, उन लोगों को एक्सरसाइज अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार करनी चाहिए, क्योंकि हार्ट की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करना रिकमेंडेड नहीं होता है। रोसुवास्टेटिन एक सोल्ट नेम है। रोसुवास्टेटिन टैबलेट को रोसुवास, रोजुस्टेट और नोवास्टेट आदि ब्रांड नेम से भी जाना जाता है। रोसुवास्टेटिन टैबलेट 5 mg, 10 mg, 20 mg और 40 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। अब हम डिस्कस करें कि रोसुवास्टेटिन टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। ज्यादातर पेशेंट को डॉक्टर रोसुवास्टेटिन टैबलेट को दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं। आपको रोसुवास्टेटिन टैबलेट को हर रोज सेम टाइम पर लेना चाहिए। मान लीजिए आज आपने रोसुवास्टेटिन टैबलेट को शाम के 7 बजे लिया है, तो आपको हर रोज रोसुवास्टेटिन टैबलेट को शाम को 7 बजे लेना चाहिए। रोसुवास्टेटिन टैबलेट को आप खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं। रोसुवास्टेटिन टैबलेट की डोज आपके लिपिड प्रोफाइल टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर और आपकी उम्र व आपके वजन के हिसाब से सभी व्यक्तियों में अलग अलग हो सकती है, इसलिए आपको रोसुवास्टेटिन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही रोसुवास्टेटिन टैबलेट को लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करें कि रोसुवास्टेटिन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ज्यादातर लोगों में रोसुवास्टेटिन टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन 2% से भी कम लोगों में रोसुवास्टेटिन टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट नोटिस किए गए हैं। रोसुवास्टेटिन टैबलेट की वजह से सिर दर्द, बदहजमी, शरीर में कमजोरी व थकान रहना, नाक से खून आना, पेट से गैस निकलना, कब्ज या कुछ लोगों में दस्त होने की समस्या भी हो सकती है। रोसुवास्टेटिन टैबलेट की वजह से ब्लड शुगर लेवल अधिक हो सकता है, इसलिए जिन लोगों को पहले से ही डायबिटीज यानी शुगर की समस्या है, उन लोगों को अपने ब्लड शुगर लेवल को फ्रिक्वेंटली चेक करते रहना चाहिए। कुछ लोगों में रोसुवास्टेटिन टैबलेट की वजह से लीवर डैमेज हो सकता है और लीवर की समस्याएं हो सकती हैं। अगर किसी व्यक्ति को रोसुवास्टेटिन टैबलेट को लेने के बाद त्वचा या आंखों का पीला पड़ना, पेट में दर्द, भूख का कम होना, नोजिया और वोमिटिंग जैसे साइड इफेक्ट होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण लीवर डैमेज के हो सकते हैं। रोसुवास्टेटिन टैबलेट की वजह से ये साइड इफेक्ट सभी व्यक्तियों में नहीं होते हैं, केवल 2% से भी कम लोगों में ये साइड इफेक्ट नोटिस किए गए हैं। इसके अलावा रोसुवास्टेटिन टैबलेट की वजह से मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द और कमर में दर्द आदि साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको ऐसे लक्षण होते हैं तो आपको तुरंत ही इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण रेबडोमायलिसिस के हो सकते हैं। रेबडोमायलिसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मसल के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। मसल के टिश्यू डैमेज होने की वजह से मसल से मायोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन निकलता है जो ब्लड में मिल जाता है और जिसकी वजह से किडनी भी डैमेज हो सकती है। रोसुवास्टेटिन टैबलेट की वजह से रेबडोमायलिसिस होना बहुत ही रेयर होता है, लेकिन यदि आपको रोसुवास्टेटिन टैबलेट को लेने के बाद मांसपेशियों या जोड़ों में दर्द, डार्क या लाल कलर का पेशाब आता है, तो आपको तुरंत ही इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण रेबडोमायलिसिस के हो सकते हैं और समय पर इलाज न होने के कारण रेबडोमायलिसिस जानलेवा भी हो सकता है। एलर्जिक रिएक्शन किसी को भी और किसी भी दवा से हो सकता है। अगर
आपको रोसुवास्टेटिन टैबलेट को लेने के बाद सांस लेने में दिक्कत, मुंह गले या होठों पर सूजन, त्वचा पर रैशेज या खुजली होती है तो आपको तुरंत ही इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के हो सकते हैं और सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होने पर तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि रोसुवास्टेटिन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशन में रोसुवास्टेटिन टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। जिन लोगों को कोई लीवर की बीमारी है उन लोगों को इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि एक्यूट लीवर डिजीज में रोसुवास्टेटिन टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति को रोसुवास्टेटिन टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए रोसुवास्टेटिन टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए। हम डिस्कस करें कि क्या गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं रोसुवास्टेटिन टैबलेट का सेवन कर सकती है या नहीं। रोसुवास्टेटिन टैबलेट प्रेगनेंसी कैटेगरी एक्स की दवा है। गर्भवती महिलाओं के लिए रोसुवास्टेटिन टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि रोसुवास्टेटिन टैबलेट डेवलपिंग फीटस को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को रोसुवास्टेटिन टैबलेट लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना गर्भवती महिलाओं को रोसुवास्टेटिन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए और जो महिला स्तनपान करा रही है उनके लिए भी रोसुवास्टेटिन टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि रोसुवास्टेटिन टैबलेट माँ के दूध के जरिए बच्चे तक पहुँच सकती है और बच्चे में साइड इफेक्ट पैदा कर सकती है। इसलिए गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को रोसुवास्टेटिन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को रोसुवास्टेटिन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका रोसुवास्टेटिन टैबलेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।